इंदौर शहर में एक बार फिर भूमाफिया द्वारा हेराफेरी करते हुए गरीब व्यक्तियों से पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर इंदौर डीआईजी तक शिकायत की है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2011 में लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले माखनलाल ने पाई पाई जमा कर लसूड़िया क्षेत्र के एसआर कंपाउंड में 4500 स्क्वायर फीट का एक प्लाट शंभू दयाल और सुरेश पिता जगन्नाथ से खरीदा था, जिसकी लिखा पड़ी और प्लाट की रजिस्ट्री सुरेश माखनलाल के नाम पर की गई थी। वहीं फरियादी माखनलाल द्वारा जब प्लाट पर कब्जा लेने गया तो कॉलोनाइजरों द्वारा जमीन की हेराफेरी कर 4500 स्क्वायर फीट की जगह 2500 स्क्वायर फीट जमीन दे दी गई। सर, मैंने 2011 में ये जमीन ली थी और किस्त में पैसे देना थे, मैंने किस्त में पैसे दे दिए और उनने मेरे को रजिस्ट्री करी 4500 स्क्वायर फीट की। मौके पे मेरे को जमीन बताई थी वो 4500 स्क्वायर फीट की। बाद में रजिस्ट्री होने के बाद में मेरे को जो ज़मीन दी उनने वो 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन दी है और 2000 स्क्वायर फीट मेरी ज़मीन कम पड़ रही है मेरे को। और मैंने लसूड़िया थाने के पे भी करी जाके आवेदन दिया है वहाँ पर, और इनके ऑफिस पे जाके मैं 2008 से जा रहा हूँ मैं। उसके बाद में इनने जो मेरे को ज़मीन दी थी इनके बाद में और दे देंगे, मेरे को कोई ज़मीन नहीं दी इनने 2000 स्क्वायर फीट। और ऑफिस पे जाते हैं तो गुंडे उनसे धमकाते हैं मेरे को। ये कौन करता आपके साथ? कौन? ये है सुरेश अग्रवाल और उनका सेठ है समुदयाल अग्रवाल, राखोड़ी वाले सेठ के नाम से जाने जाते हैं वो। और थाने पर मेरी जाने के बाद भी मेरी शिकायत नहीं सुन रहे वो। मैं व्यवसाय करता हूँ, चाय बेचता हूँ सर। मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी करके पैसे जमा कराए थे और उनको दिए मैंने किस्त में, मेरे घर से मेरे घर वाले की रकम बेच के मैंने पैसे दिए उनको और आगे किस्त पूरी कर दी। मैंने पैसे दे दिए रजिस्ट्री के, 15 लाख रुपए दिए, मैंने 13.5 लाख ज़मीन के दिए और 1.5 लाख रुपए मैंने ज़मीन नामांतरण रजिस्ट्री के दिए थे। और मेरी ज़मीन जो बताई थी मेरे को उस हिसाब से उन्होंने ज़मीन दी नहीं, बताई थी 4500 स्क्वायर फीट और मेरे को ज़मीन दी 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन दी भैया। और मैं चक्कर खाते खाते आज 8 साल हो गए मेरे को। मैं लसूड़िया थाने में भी जाता हूँ पर माँ मेरी सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि शंभू दयाल जी बहुत बड़ा बिल्डर, उस एरिया का बिल्डर नाम से, देवास नाके पर नाम से जाना जाता है। उसके थाने वाले को सबको सेटिंग कर रखी है, वो मेरी माँ सुनवाई होती नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मलखान सिंह पवार और ग्राम लसूड़िया मोरी है। मैं यही निवेदन है कि मेरा ये जल्दी से जल्दी मेरी 2000 स्क्वायर फीट जमीन दिलाई जाए मेरे को। मामले में पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया तक शिकायत की है, लेकिन मामले में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।